टाइमिंग के बारे में आज हम देखेंगे। टाइमिंग्स, टाइमिंग को क्या क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर 12 बज रहे हैं या फिर 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, कुछ ऐसा कहना है तो कॉमनली आप ऐसा कह सकते हैं इट्स 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock। तो ओ क्लॉक कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर आप ऐसा बोल सकते हैं 12 PM, 11 PM, AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, और PM मतलब पोस्ट मेरिडियन। तो मेरिडियन में एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। AM रात के 12 बजे से तो सुबह के 2:11:59 तक रहेगा, तो जब तक वो AM लगेगा, और दोपहर के 12 से रात के 11:59 तक PM चलेगा। तो ये AM और PM का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। उसके बाद में है ओ क्लॉक के अलावा, अब जैसे अगर किसी को कहना है कि 12:01 हो रहा है, 12:01, तो आप कैसे कहेंगे इट्स 12:01, 12:01। मतलब ऐसा रेशो दिख रहा है, प्रोफेशनल वे में नहीं बोल पा रहे। 12:01 कैसे कह सकते हैं, 12:00, तो उसको गुजरने को पास्ट, कहेंगे पास्ट। पास्ट। हाँ पास्ट, और 12 जो आंकड़ा है 12:00, तो आप ऐसे कहेंगे 1 मिनट पास्ट 12। 12 को बाद में रखना है, कितना गुजरा, 1 मिनट, 1 मिनट पास्ट 12। 1:04 हुए, 4 मिनट पास 12, या 4 मिनट पास 1, इस तरह। उसी तरह से 12:13 हुए, 13 मिनट्स पास 12, ये कह सकते हैं आप। अब उसी तरह अगर 12:15 जब हो जाएगा, 12:15, अब 12:15 यानी घड़ी के 4 पोर्शन है, 12 से 3 में एक एक क्वार्टर हो गया, तो 15 जो है, मतलब 12:15 का मतलब 12 से 3 के बीच में एक क्वार्टर, 3 से लेकर 6 के बीच में दूसरा, जैसे 4 टुकड़ों में अगर उसको देखा जाए, और फिर 6 से 9 के बीच में एक, और 9 से 12, 4 पोर्शन। तो फर्स्ट जो 15 कंप्लीट हो गया, तो उसको आप क्वार्टर बोल सकते हैं। क्वार्टर जैसे कि साल भी रहता है, क्वार्टरली EMI क्वार्टरली मैं पे करूँगा, तो क्वार्टर मतलब साल के आपने 4 टुकड़े किए, तो 3 चौक 12, तो 3 साल का एक क्वार्टर हो रहा है ऐसा, क्वार्टरली। या फिर ऐसा भी होता है कई का, पर क्वार्टर के 4 चीज़ों का भी होता है, तो एक डिवाइडेशन होता है सारा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 12:15 को हम क्या कहेंगे, अ क्वार्टर पास्ट 12। अ क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर, अ क्वार्टर पास्ट 12। और अगर आपको ये बोलना है फिर के 1:25 हुआ, तो फिर से वही 25 मिनट्स पास्ट 12, या 25 मिनट्स पास्ट 1, 1:00 बोलना है, तो पास का कंसेप्ट ज़्यादा रहेगा, कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट 15 रहा तो क्वार्टर। और उसी तरह से अगर आपको 12:30 बज गया, तो 30 मिनट्स पास 12, ये बहुत लेंदी होने से बेहतर आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि वो आधा हो गया ना, तब उसको 2 क्वार्टर बोलने की जरूरत नहीं है, उसको आप बोल सकते हैं कि नियरली हाफ पास 12। नियरली यानी तकरीबन, तकरीबन 12:30 बोलना है, लेकिन तकरीबन नहीं है आपको, एग्जैक्ट करेक्ट अगर हो रहे तो हाफ पास 12, हाफ पास 1, हाफ पास 2, हाफ पास, हाफ पास 2, हाँ इस तरह से। उसी तरह से अगर आपको बोलना है कि अभी बच रहे हैं जो चीज़ें, 1 बजने में अगर 19 मिनट बाकी है, एक होता है फोन बज रहा है कि 1 को 15 मिनट कम है, और एक ये होगा कि 1 बजने में 19 मिनट बाकी है, तो आप उसको क्या कहेंगे। हम गुजरे हुए को पास कहते हैं, लेकिन अब बाकी है तो उसको 2 लगा देना, 2 मतलब अभी कंप्लीट होना बाकी है, तो जितने मिनट भी बाकी रहे तो आप वो बोल सकते हैं कि मिसाल के तौर पर 19 मिनट, तो 19 मिनट्स टू 1। या ऐसे में मतलब आप कह सकते हैं 5 मिनट्स टू 1, 4 मिनट्स टू 1, इस तरह से 4 मिनट्स टू 1, मतलब एक होने में भी 4 मिनट्स बाकी, 2 2 लग जाएंगे, गुजरे हुए को पास लगाया था। अब उसके बाद है
पौने एक। अब हमने देखा था कि एक जब सवा अगर कोई चीज होती है तो उसको हम क्या लगाते हैं, क्वार्टर, अ क्वार्टर पास्ट 12, अ क्वार्टर पास्ट 1। लेकिन क्या अब अगर एक बजने में 15 मिनट बाकी है, कौन बज रहा है, तो हम उसको 3 क्वार्टर पास्ट 1 ऐसा नहीं कहेंगे उसको, बल्कि ये कहेंगे 1/4 to 1। शॉर्ट में यूज करना है, 2 लग रहा है ना, तो 1/4 to 1, अ 1/4 to 1, अ 1/4 to 1, 1/4 to 1, 1/4 to 2, तो क्वार्टर बाकी है। तो 2 जब लग जाएगा तो दिमाग में ये रहेगा कि ये होना है, जो होना है बचा हुआ है, मतलब इतने मिनट बाकी है, और जो गुजर गया इतने बचकर इतने मिनट हो रहे, तो पास्ट, बजकर पास्ट, इतने मिनट बाकी है, कम है 12 को 10 कम, तो कम है 2, तो 10 इस तरह से 2 10 ऐसा। और कि जितने भी मतलब रहेगा जैसा कि 12 को, तो फिर उसको ऐसे लगेगा कि 10 to 12 जो भी रहेगा। तो एक चीज अब उसके बाद एक बजकर थोड़ी देर हुई, अगर ये कहना है मतलब थोड़ी देर हुई एक बजकर, तो उसको कहेंगे अ लिटिल आफ्टर 1, अ लिटिल आफ्टर 1। और अगर आपको थोड़ी देर है सिर्फ एक बजने में, ये कह देना है एक लमसम अ लिटिल 2 1, 2 लगाना है कंप्लीट होने के लिए, और गुजरे हुए को पास्ट, अ लिटिल पास्ट 1, अ लिटिल 2 1, इस तरह से। तो ये हो गया टाइम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सैल्यूटेशंस, जो मुलाकात पर कहीं पर गए तो क्या यूज़ करेंगे, वो देखेंगे। थैंक यू।